लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शोभा यात्रा निकलेगी 14 अप्रैल को। जी हां, जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवा करेंगे शुभारंभ। यह शोभा यात्रा बौद्ध जिला निकेतन स्कूल से प्रारंभ होकर राधा कृष्ण गार्डन पर जाकर इसका समापन होगा। मुख्य अतिथि होंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम आसरे कुशवा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति की एक प्रेस वार्ता शिवम रेस्टोरेंट में हुई, जिसमें समिति के अध्यक्ष दीपक कुशवा व संयोजक डॉक्टर ज्ञान सिंह साक्य ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शोभा यात्रा 14 अप्रैल 2019 को प्रातः 10 बजे से निकलेगी। शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवा द्वारा किया जाएगा। शोभा यात्रा बौद्ध विद्या निकेतन स्कूल से प्रारंभ होकर डाक बंगला, सदर बाजार, सेंट्रल चौराहा, डाकखाना चौराहा होते हुए कोटला चुंगी के बाद कुशवा नगर सत्कार टॉकीज के पास राधा कृष्ण गार्डन पर समापन होगा। शोभा यात्रा में सम्राट अशोक का भव्य डोले के साथ तथागत भगवान बुद्ध ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, भारत माता सहित लगभग आधा दर्जन डोले, दो बैंड तथा काली अखाड़ा आदि मुख्य आकर्षण होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम आसरे कुशवा तथा अध्यक्षता कुशवा जिला सभा के अध्यक्ष राम सिंह कुशवा करेंगे। आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जी की शोभा यात्रा व जन्मोत्सव जयंती के बारे में प्रेस वार्ता रखी हुई है, और जो हर वर्ष की भली भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है। जो शुभारम्भ थाना रसूलपुर के पास बहुत शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से प्रारंभ होगा, नालबंद चौराहे, घंटाघर, गंज मोहल्ला चौराहे, कोटर चुंगी होते हुए बम्बा चौराहे से राधा कृष्ण गार्डन कुशवा नगर में समापन होगा। देखिए, जो पूरे विश्व में आज जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा पे जो विराम लगाया वो सम्राट अशोक महान ने लगाया। हालांकि इन्होंने शुरू में भी हिंसावादी रहे, कलिंग के युद्ध में इन्होंने बहुत सारी हत्याएं करी, जिसके बाद इन्होंने वहाँ से सीख ली, इनकी आत्मा झंकृत हुई। उस आधार पर इन्होंने दया, धर्म, मैत्री और करुणा के आधार पर इन्होंने पूरे विश्व को चलने की एक सलाह दी। उसी आधार पर ये हमारे पूर्वज हैं, और हमें बड़ा गर्व है कि उन्होंने पूरे विश्व में अपना एक स्थान खड़ा किया। जिनकी जो कार्यशैली, उनकी जो शासन शैली जी थी, वो पूरे विश्व ने मानी। व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन उसे सादगी और समर्पण के भाव से जनता की सेवा करनी चाहिए। उस संदेश के आधार पर सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में अपने बौद्ध स्तंभों के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि हिंसा से कुछ किसी को नहीं जीता जा सकता है, और अहिंसा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। उन्होंने पूरी एशिया में अपना राज स्थापित करके, जिसमें अफगानिस्तान और तालिबान में भी उन्होंने श्रीलंका से लेकर के सभी जो आसपास के भारत से जुड़े हुए जितनी सीमाएं थीं, उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया, जिसके आधार पर पूरे विश्व में एक संदेश गया कि सम्राट अशोक महान ही ऐसी एक विचारधारा है जिससे पूरी दुनिया उसके रास्ते पर चल कर के तरक्की कर सकती है, और मतलब एक अच्छा संदेश दे सकती है। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल। यहां 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, हिस्टेरेक्टमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।
टीच एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बट वी टीच ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल।